माशी क्या भेजी? रेड कार वाली माशी ने क्या भेजी? रेड कार वाली मासी बोलते है मनाल को। बिजू वो देख आंटी के हाथ में देख क्या है? कौन है बिजू? ये क्या है? हाँ क्या नाम है इसका? काना। वेरी गुड। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोल। थैंक यू माशी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। तो आपने देखा मेज़ान का न्यू टॉय आया है, उसकी मासी जो मेरी फ्रेंड है दुबई से भेजा है, उसने बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मेज़ान। तो चलिए आज हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, उसको मैरिनेशन में मैंने चिकन टिक्का, शान का मसाला डाला है, नमक डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस उसको मैरिनेट करके मैंने फ्राई कर लिया। अभी यहाँ पे मैंने मिनी पिज़्ज़ा के बेस लिए हैं, तो चलिए अभी टॉपिंग कर लेते हैं। बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसान है बनाने। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है, उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है, उसके ऊपर कैप्सिकम, टमाटोज़ एंड चिकन, उसके ऊपर फिर से मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है। तो यहाँ पे मैं एयर फ्रायर में कर रही हूँ, आपके पास ओवन है तो आप ओवन में कर सकते हैं। तो एयर फ्रायर में कुछ ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो अभी एयर फ्रायर में करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म समोसे तल रहे हैं, जो मैंने आपको रेसिपी लास्ट वीडियो में रेसिपी मैंने शेयर की थी समोसे की। तो ये देखिए पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलिए अब बनाते हैं पानी पूरी। पानी पूरी के लिए मैंने वाइट वटाना ओवरनाइट सोक करके रखा था, तो अभी ये इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस इतना ऐड करना है कि हमारे जो वटाने हैं वो कवर हो सके। उसमें मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है एंड उसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 to 7 विसल लूँगी, उसके बाद हम ओपन करके चेक करेंगे वटाने हुए हैं या नहीं। नहीं हुए रहेंगे तो फिर से लगा देंगे। तो चलिए अभी मैं पानी बनाने के लिए यहाँ पे ली हूँ पुदीना, कोथमीर, उसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची, जितना टिक्का आपको पसंद है आप उतनी मिर्ची। ये मीडियम मैंने 6 to 7 मिर्ची ली हूँ, तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं बनता है पानी, मीडियम स्पाइसी रहता है। उसमें मैंने ऐड की हूँ 4 गार्लिक क्लोव्स, लहसुन की कलियाँ ऐड की हूँ। उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, उसे स्ट्रेनर की मदद से हमको स्ट्रेन कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो चलिए अभी यहाँ पर अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे एंड टैमरिंड पल्प, यानी कि इमली का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 teaspoon इमली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है चटनी बनाई हुई, तो आप गर्म पानी में इमली, खजूर और जैगरी जो कि गुड़ है, उसको हम अच्छे से भिगा के उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बनाई हुई थी तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 4 teaspoon आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी मैं ऐड कर रही हूँ पानी पूरी का मसाला। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया है, वही सबसे बेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अभी 4 teaspoon एवरेस्ट का मसाला यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं चाट मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 2 to 3 teaspoon ऐड करना चाट मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर ऐड करना, अच्छे से मिक्स करते जाना ताकि उसमें कोई लम्स ना बने। एंड 1 lemon स्क्वीज़ किया है, पूरा 1 नींबू मैंने उसमें अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप बर्फ़ भी ऐड कर लेना, मेरे पास अभी है नहीं तो मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया था। आप आइस ऐड करोगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने शुगर 2 teaspoon ऐड किया है,
अच्छे से मिक्स करके इसे हमें फ्रिज में रख देना है। तो हमारा जो पानी है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने मीठा पानी नहीं बनाया है, एक ही पानी बनाया है जिसमें मीठा खट्टा तीज़ सब है। तो यहाँ पे रगड़ा भी जो है वो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, बट थोड़ी सी कसर बाकी है। तो चलिए अभी फिर से उसे लगा देते हैं। एंड 3 विसल दिया है मैंने, तो हमारा रगड़ा पानी पूरी का कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आप एक बार ये पानी पूरी का पानी ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा बना। बहुत ही मज़ेदार बनता है, मेरे फ्रेंड्स लोग को पता है कि पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड यहाँ पे देखिए मैंने मीठे के लिए इमली का जो मैंने चटनी बनाई थी वो लिया है, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि वो पानी ही खुद में बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए अभी फटाफट सर्व कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अजान हो गई है, उसके बाद का है ये वीडियो। तो देखिए रगड़ा मैंने डाल लिया, थोड़ी सी इमली की चटनी एंड हमारा पानी पूरी का पानी, उसका कलर ही देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। तो चलिए अभी पानी पूरी का पानी ऐड करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। बहुत ही यम्मी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए देखने में इतना मज़ेदार है तो खाने में तो क्या ही बात होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसी बनी थी। एंड आज के लिए इतना ही, अभी मैं इसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग को जाऊंगी क्योंकि इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा ही आलस आ जाता है, ऐसा लगता है सिर्फ सोते पड़े रहो, बट नहीं, हमें उठना है, एक्टिव रहना है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे ही मेरे कॉलोनी में ही वॉक करती हूँ एंड मिज़ान के साथ करती हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो थक जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो। अगर अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।